दोस्तों आज हम जा रहे हैं किकलेश्वर मंदिर में। ये है पेट्रोल पंप वाला रोड। दोस्तों ये है हमारा पौड़ी का जो आरटीओ ऑफिस है। अभी आगे हम रांची के गेट के नजदीक ये देख। दोस्तों अभी आ गए हम ककुलेश्वर महादेव मंदिर में। कहते हैं कि दोस्तों यहाँ का जो ऐतिहासिक है, यहाँ पर हमने सुना था कि रावण जी ने भी यहाँ पर आके तपस्या इस मंदिर में तपस्या की थी। और जो शिवलिंग में लोग पानी चलाते तो उसका निकास ही देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ है। दोस्तों नमस्कार, मैं राजन रावत फ्रॉम पौड़ी और स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं ककुलेश्वर मंदिर में, जो कि काफ़ी पौड़ी के अंदर जो काफ़ी फेमस मंदिर है। यहाँ पर जो प्राचीन के जो मंदिर है और उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों आज देहरादून से हमारे एक दोस्त आए हैं जो कि पौड़ी में घूमना चाहते थे। तो अब मौसम आज थोड़ा काफ़ी साथ दिया मौसम ने, क्योंकि अभी हम लोग 2 बजे करीब हम यहाँ पर श्रीनगर से पौड़ी में पहुँचे तो मौसम उस समय बारिश आ रही थी। तो अभी बारिश थम चुकी है तो हम जा रहे हैं अभी कहाँ, ककुलेश्वर मंदिर। तो वहाँ पर तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर समथिंग होगा यहाँ से मेरे घर से और ककुलेश्वर मंदिर तक। तो बीच का मैं सफ़र बताता हूँ, अभी चलते हम बाइक से ही राइड करेंगे क्योंकि बारिश अभी नहीं है। अगर बारिश आती तो शायद हम कार से जाते, लेकिन अभी हम बाइक से जाएंगे। तो ले चलते चलते हैं दोस्तों ककुलेश्वर मंदिर। दोस्तों जाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपने घर से जो मेरा व्यू दिखाई देता है बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है, क्योंकि कल तक बारिश से आप देख सकते हैं। मेरे घर के नज़दीक यहाँ पर काफ़ी पेड़ हैं और जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, इन पहाड़ियों में काफ़ी जो गाँव बसे हैं इन पहाड़ियों में, तो मैं आपको एक डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले ये बरसुड़ी गाँव है और उसके बाद ये वाला कटुली गाँव है और उसके बाद ये वाला इलाका जो पड़ता है दोस्तों, ये गढ़ोली वाला इलाका है और ये गली है जहाँ पर से मैं अपने घर से जा रहा हूँ रोड पे। तो ये वाला रोड देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर से रोड जो है 200 मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है 200 मीटर। ये है पेट्रोल पंप वाला रोड जहाँ पर मेरी बाइक खड़ी रहती है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं तो यहाँ पर जगह मिल नहीं पाती यहाँ पर, तो यहाँ पर रहती है हमारी बाइक। ये देखिए यहाँ पर, ये आगे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है। तो पहुँच गया हूँ मैं बाइक के पास और बाइक को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। आती हैं देखिए दूर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो काफ़ी जो शहर, ये पौड़ी का शहर यहाँ पर बसा हुआ है। तो अभी चले यहाँ से हम ककुलेश्वर मंदिर के लिए। अभी आगे हम रांची के गेट के नज़दीक ये देख सकते हैं, यहाँ पर कितना सुंदर गेट बना हुआ है। यहाँ पर अभी तैयारी चल रहा है, स्टेडियम अभी बना नहीं है कंप्लीट। और देख सकते हैं यहाँ पर शहीद, देखिए हम शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम और रांची स्टेडियम। तो ये नूरारंग की लड़ाई में शहीद हुए थे, इनके नाम पर यहाँ पर ये गेट बनाया गया है और ये गेट ही क्योंकि स्टेडियम उनके नाम से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू।
पड़े हम, रांची का फील्ड हमने देख लिया है। अभी तो काफ़ी काम है वहाँ पर, स्टेडियम बनते बनते टाइम लगे काफ़ी। तो ये जहाँ से क्रॉस किया था हमने, तो ये सवाली अब सीधे स्टेट निकल गए। तो ये निकल गए हम कपिलेश्वर मंदिर, जो कि 1 किलोमीटर दूरी पर है तकरीबन। देवी पौड़ी के अंदर दोस्तों ये काफ़ी जाना माना मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो रावण जी थे तो तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर यह जो ये नगाड़ा बसता है वो भी बसता है यहाँ पर। तो अभी वहाँ पर जाके देखते हैं क्या क्या सुना था। यहाँ पर बांस के पेड़ देख सकते हैं आप, दोनों तरफ बांस के पेड़ हैं। ये देखिए देखिए दोस्तों, रास्ते यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। दोस्तों अभी आ गए हम ककुलेश्वर महादेव मंदिर में, और ककुलेश्वर महामंदिर 8वीं सदी का निर्मित, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और यहाँ पर जो शंकराचार्य जी यहाँ पर जो भ्रमण के दौरान उन्होंने मंदिर को बनाया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी। अभी जो रास्ता एक ट्रैक है, दूसरा वाला गेट है, हम अभी जिस गेट से आए थे तो वो दूसरा गेट है। और इस गेट में क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा रोड भी ख़राब है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काई ज़्यादा जमी है। तो लोग उस रोड जिस रोड से हम आए थे दोस्तों, तो उस रोड वाले रोड पे आए थे। तो मंदिर अभी तकरीबन ऐसे 50 मीटरों पर है, तो चलते हैं मंदिर। दोस्तों देखिए हम अभी आ गए हैं, आप देने भाई देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इस रोड को रास्ते को बनाया गया है। और आप पेड़ भी नज़ारा भी पेड़ नज़ारा भी देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे हाइट, कहते हैं कि दोस्तों यहाँ का जो ऐतिहासिक है, यहाँ पर हमने सुना था कि रावण जी ने भी यहाँ पर आके तपस्या इस मंदिर में तपस्या की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है, कितनी हाइट है। अभी सर आप फॉग लगा हुआ है, या देख सकते हैं अभी आप मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं, और फॉग भी लगा हुआ है यहाँ पर। शाम के टाइम पर नगाड़ा बजाया जाता है। के नज़दीक आ चुका हूँ मैं मंदिर के गेट में, और पहले सबसे पहले मैं मंदिर का चारों तरफ का व्यू दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती, और खूबसूरती सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो दे रही है ये देखिए, ये जो मंदिर के चारों तरफ जो ये देवदार के लंबे लंबे और बांस के पेड़ हैं, इनसे घिरा हुआ ये मंदिर। तो अभी चल रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और ये मंदिर का घंटा। तो ये मंदिर इतनी हाइट में अगर जब घंटा बजता होगा तो शायद पूरे नीचे मार्केट तक इसकी आवाज़ गूंज उठती है। तो ये देखिए ये गेट है, और इस गेट में देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर ये भगवानों की मूर्ति बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कला जो देख रहे हैं आप है पत्थर पे, ये कितनी खूबसूरती कला यहाँ पर बनाई गई है। तो एंट्रेंस गेट है, और आप चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर का पूरा का पीछे का व्यू, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये पीछे इनकी लिविंग है, यहाँ पर भी एक छोटा टेंपल बनाया गया है। तो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल केदारनाथ मंदिर, और जो आप तुंगनाथ मंदिर गए तो उस तरीके से हूबहू ये मंदिर की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर जो मेहनती लोग रहते हैं, तो यहाँ पर सुबह शाम यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, और नगाड़ा से यहाँ पर नगाड़ा बजाते हैं। तो ये यहाँ पर ये मंदिर का इलाका है। एक मंदिर और है पीछे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर के ठीक पीछे बनाया गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी और राधा जी की मूर्ति यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्थापित की गई है। और यहाँ पर भी यहाँ पर ये लोग पूजा अर्चना, तो दिया भी यहाँ पर देखिए जला रखा है। तो
दोस्तों सबसे पहले हम घर से आए तो रांची फील्ड में गए। रांची फील्ड को देखते हुए हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी को तय करते हुए यहाँ पर केकुलेश्वर मंदिर में आए और केकुलेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए हमें काफ़ी शांति और सुकून मिला। तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर आज एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। मैं राजन रावत फ्रॉम पौड़ी। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हुई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।